थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रोविजन से रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, ताकि जो जो छोटे छोटे से मसाइल थे वो एक दफा फिर से दोबारा गो थ्रू हो जाए। और फिर हमने उसका एक्सट्रैक्ट भी देखा था, एक्सट्रैक्ट भी तो दोबारा एक दफा डिस्कस कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट तो बहुत आसान से होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां पर जाकर रिकॉर्ड होती है। एक बार स्पेसिफिक प्रोविजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक एज एनालिसिस से रिलेटेड भी मैं आपको क्वेश्चन एक डिस्कस कर देता हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में मेन दो कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में, बल्कि हम उसको तीन कैटेगरी में डिस्कस कर लेते हैं। एक आएगा स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक प्रोविजन से मुराद यह है कि वो हमें खुद बता देगा, कुछ डेटर्स को स्पेसिफाई कर देगा, और उसकी नॉर्मल या जनरल प्रोविजन से हटके एक परसेंटेज बता देगा, उसी हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन। फिर एक एज एनालिसिस से रिलेटेड कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एज एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपके जो डेटर्स हैं वो कितनी देर से आउटस्टैंडिंग जा रही हैं। डेटर्स जो हैं वो कितनी देर से, टाइम ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स, कि आपके जो डेटर्स हैं वो, यानी 1 साल हो गया पैसे नहीं दे रहे, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम उसको एज एनालिसिस में कवर करेंगे। और फिर एक जर्नल प्रोविजन होती है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके की बात, तो सबसे पहले हम स्पेस, क्योंकि जर्नल प्रोविजन तो तकरीबन हर क्वेश्चन में ही होती है, स्पेसिफिक प्रोविजन को डिस्कस करते हैं पहले। और इस दफा मुझे लगता है ये फाइनल अकाउंट के अंदर मिक्स होके आ जाएगा, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में, कि सपोज हमारे पास डेटर्स हैं 800,000, कहता है इट इंक्लूड, इसके अंदर शामिल क्या क्या है, बैड डेट्स ₹40,000, मिस्टर ए उसका जो डेट्स है वो 160,000 है, और इसकी जो प्रोविजन है वो खुद बता देगा। सपोज दैट कहते हैं इसकी प्रोविजन 50% है। मिस्टर बी ₹120,000 का डेट है उसका, और उसकी जो प्रोविजन है वो 80% है। मिस्टर सी 80,000 का डेट है और उसकी प्रोविजन 100%। तो मतलब जो ये उसने 3 लोगों के बारे में आपको अलग से बता दिया, ये इसको हम कहते हैं स्पेसिफाई कर दिया डेटर्स को, और ये होती है स्पेसिफिक प्रोविजन। और हमने टोटल प्रोविजन लिखनी होती है, और कहता है रिमेनिंग डेटर्स उसकी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है इज 5%। ये है जनरल प्रोविजन।
जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो कि आपको डेटर्स बताए हों और कहते हैं जी एडिशनल डेटर्स भी अभी इसके अंदर मौजूद हैं और कुछ वो डेटर्स को स्पेसिफाई कर दे, तो हमने किस तरह से काम करना है? 800,000 में से पहले बैड डेट्स माइनस कर देने। अगर पहले बैड डेट्स माइनस नहीं हुए तो हमारे पास आ जाएगा 7,60,000। इस 7,60,000 की हम स्पेसिफिक प्रोविजन अलग कर लेंगे, स्पेसिफिक डेटर्स और जर्नल डेटर्स अलग कर लेंगे। स्पेसिफिक डेटर्स अलग कर लेंगे और जर्नल डेटर्स अलग कर लेंगे। स्पेसिफिक के अंदर मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। मिस्टर ए कितना हुआ? 1,60,000 और उसकी प्रोविजन है 50%। बल्कि मैं तो कहता हूं जर्नल को भी इधर ही लिख लेते हैं, स्पेसिफिक के नीचे यहां पर लिख लेते हैं जर्नल। फिर मिस्टर बी कितना हमने लिखा? 1,20,000 और उसकी प्रोविजन है 80%। मिस्टर सी हमने लिखा 80,000 और उसकी प्रोविजन है 100%। और बाकी जो रिमेनिंग बच गए हैं उस पर हम जनरल प्रोविजन ले लें। 7,60,000 में 1,60,000 भी माइनस करो, 1,20,000 भी माइनस करो और 80,000 भी माइनस करो, तो बताओ बाकी कितने डेटर्स बच गए? जी जल्दी करो, कैलकुलेटर किधर है आपका? रिमेनिंग डेटर्स कितने बच गए? इमरान ने बताया तो है लेकिन सही नहीं बताया। 400,000। और इन 400,000 के ऊपर हम ले लेंगे 5%। तो ये हो आ जाएगी हमारे पास टोटल प्रोविजन जो हम कैरी डाउन में लिखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी। करना क्या है, हमारे पास डेटर्स होंगे टोटल, हम उसमें से कैरी डाउन फाइंड कर लेंगे। ये एक तरह का ना कैरी डाउन है, अगर डेटर्स का लेजर बनाया जाए तो उसमें से स्पेसिफिक डेटर्स को अलग कर लेंगे और जर्नल प्रोविजन को अलग लिखेंगे। तो 1,60,000 का 50% लेंगे तो 80,000 आएगा और 1,20,000 का 80% लेंगे तो मेरे ख्याल में 96,000 आएगा। 80,000 का 100% लेंगे तो 80,000 आएगा और 4,00,000 का 5% लेंगे तो 20,000। ये हमारी टोटल प्रोविजन आ जाएगी। इसका टोटल करके मुझे बता दो, 80,000 प्लस 96,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000, तो टोटल कितना आ गया? 276,000। तो जब हम प्रोविजन का लेजर बना रहे होते हैं तो ये कैरी डाउन हमारा आ जाएगा 276,000। बाकी तो इंफॉर्मेशन वही होगी ना, जो ब्रॉड डाउन बैड डेट्स सारी इंफॉर्मेशन वही होगी, लेकिन इसका कैरी डाउन अगर वो स्पेसिफाई कर देगा तो ये आएगा।
तलबिया ने कहा है कि ये 400,000 कहाँ से आ गया? तलबिया बेटा ये देखें, हमारे डेटर्स टोटल थे 8 लाख के, 8 लाख में से 40,000 हमने माइनस कर दिया तो बाकी बच गया, ये 40,000 हमारे बैड डेट्स थे, तो 40,000 माइनस कर दिया तो बाकी बच गया 76,000, सॉरी 760,000। 760,000 में मिस्टर ए को भी अलग कर दिया, मिस्टर बी को भी, मिस्टर सी को भी, तो 7,60,000 में से ये टोटल जो बन रहा है ये माइनस किया तो बाकी 4 लाख के डेटर्स बच गए। उस 4 लाख वो हमारी रिमेनिंग प्रोविजन थी। डन होगी बात, ये पहले भी लास्ट टाइम ये क्वेश्चन किया था तो इसलिए इतना कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ एज एनालिसिस पे। एज एनालिसिस से मुराद ये है कि वो खुद बता देता है कि जो हमारे डेटर्स हैं, कुछ हैं करंट मंथ के, कुछ को टाइम हो गया है 3 मंथ, कुछ को हो गए हैं 6 महीने और कोई 1 साल वाले। कहते हैं जो करंट मंथ के डेटर्स हैं ना वो हमारे पास हैं 4 लाख के, जो 3 महीने वाले डेटर्स हैं वो हैं 3 लाख के, और जो 6 महीने वाले हैं वो 2 लाख के, और जो 1 साल वाले हैं वो हैं सपोज दैट 1 लाख के। कहते हैं 4 लाख को अभी महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जो डेटर्स हमारे 4 लाख के हैं उनको अभी महीने से ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जो 3 लाख वाले हैं उनको 3 महीने हो गए अभी तक पैसे नहीं दिए, 2 लाख वाले ऐसे डेटर्स हैं उन्हें 6 महीने का टाइम हो गया, और 1 लाख वाले डेटर्स ऐसे हैं जिनको साल हो गया। अब उसने इन पे प्रोविजन क्रिएट करनी है। एज एनालिसिस का मतलब है जिसको जितना टाइम हुआ है सबको अलग कर देते हैं, और जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा प्रोविजन बन जाती है। कहता है जी करंट मंथ वाले पर हमें कोई डाउट नहीं है, 0% प्रोविजन। कहते हैं 3 महीने वाले को 5%, 6 महीनों वालों पर 10%, और जो 1 साल हो गया है हमें 50-50 चांस है, पता नहीं 50% चांस रिकवरी के हैं और 50% डाउट है। कहता है जब इस तरह से आ जाए प्रोविजन, ये भी एक तरह की स्पेसिफिक प्रोविजन टाइप चीज हो जाती है। कहता है आप सबकी अलग प्रोविजन ले लो, इसकी 0 आएगी, इसकी 5% ले लो तो 15,000 आएगी, इसकी 10% ले लो 20,000 आ जाएगी, और इसकी 50% ले लो 50,000 आ जाएगी। कहता है ये आपकी टोटल प्रोविजन आ जाएगी, इन सबको ऐड कर ले ये तकरीबन 85,000 आ जाएगी। एज एनालिसिस में अरहम सलीम पूछ रहा है कि सर जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो हमें क्वेश्चन में बताई जाएगी? वो नहीं हो भाई, क्या हो गया है ये कभी भी क्वेश्चन में नहीं बताई होती परसेंटेज। ये जिस दिन आपका पेपर होगा ये बात जरा गौर से सुनने वाली है। अरहम सलीम का सवाल है कि सर क्या ये जो प्रोविजन की परसेंटेज है क्या हमें क्वेश्चन में बताई होगी या नहीं? ऐसी बात नहीं है, ये कभी भी नहीं बताई होती। जिस दिन आपका पेपर होगा आप रात को सोएंगे ये आपके ख्वाब में परसेंटेज आएगी, तो सुबह जाकर वो परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। सिंपल सी बात है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये कभी क्वेश्चन में नहीं बताई होती, ये ख्वाब में आती है रात को। और जो बच्चे रात को नहीं सोते तो उनको ये परसेंटेज आती नहीं है। अक्सर आपने सुना तो है कि जब जो बंदा रात को नींद पूरी करके नहीं जाता पेपर में उसका पेपर ठीक नहीं होता।
तो इसलिए चीकू कैसे कैसे सवाल करते हो। और अरहम, आप जैसा बंदा ये सवाल करे बड़ी अजीब सी बात लगती है, ये क्वेश्चन में बताई होती है मेरे भाई। चलें जी, मुझे लगता है अरहम को नींद आ रही थी, अब उम्मीद है उसकी आंख खुल गई होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आ जाए जरा क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं वापस। कि हमने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे, और मेरे ख्याल में हमने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, हमने उससे आगे चीजें डिस्कस करनी है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन निकाल लें। असाइनमेंट निकालें जरा जो आपको सेंड की हुई है, वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है। जी, आई कैप स्टडी टैक्स के क्वेश्चन हमने 3 डिस्कस कर लिए थे, और आपको अगले 3 दिए करने थे, दिए के लिए देने के लिए करने के लिए दिए थे। और अब हमने फर्दर क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलते हैं, और इसमें भी एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं, तो हम एक्सट्रैक्ट भी दोबारा डिस्कस हो जाएंगे हमारे। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान सा ही है, ये आपने किए हैं, मुझे भी आइडिया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 क्वेश्चन आपने किए थे जो आपके आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में है। फिर हमने चले जाना इसके पास पेपर पे, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर ले, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट भी बताने हैं हमने, तो इसलिए इसका आपके पास सही सलूशन होना जरूरी है। चलें जी, नेल्सन मेक्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट वेरिंग परसेंटेज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड द लेवल ऑफ आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल। मतलब एज एनालिसिस की बात ऑलमोस्ट कर रहा है वो, ठीक होगी बात? उसके बाद कहता है जनाब, द रिजल्ट ऑफ दिस पॉलिसी फॉर द लास्ट 3 इयर्स इज एज अंडर। कहता है रिसीवेबल जो आपके 2010 में है, बिफोर एडजस्टिंग, ये उसने खुद भी लिख दिया, बिफोर एडजस्टिंग एनी बैड डेट्स, यानी बैड डेट्स को माइनस किए बगैर उसने हमें इंफॉर्मेशन बताई है, डन हो गई। उसके बाद कहता है कि जनाब 2010 के जो बैड डेट्स हैं हमारे पास, सॉरी डेटर्स हैं, वो बता दिए, थे 2011 के बता दिए, 2012 के बता दिए, बैड डेट्स बता दिए उसने और प्रोविजन भी बता दिए। कहता है 2010 के साल के शुरू में जो अलाउंस फॉर बैड डेट्स था, मतलब के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो 10,000 है। कहते हैं राइट अप द बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट फॉर ईच 3 इयर्स, और उसके बाद इनके एक्सट्रैक्ट भी बनाने हैं। आ जाओ जरा, एक्सट्रैक्ट भी मैं आपको समझा देता हूं, साथ एक्सट्रैक्ट भी समझ लग जाएंगे, और साथ आपको अकाउंट्स दोबारा से देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अकाउंट एक साइड पे बना लो। और एक साइड पर बैड डेट्स का अकाउंट बना लो। क्वेश्चन तो जिसने किया है उसको बहुत आसान लगेगा,
और जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया उसके लिए वाकई ये मुश्किल वाली बात है। ये दरमियान में बाउंड्री बना देते हैं कि अमाउंट्स मिक्स ना हो जाएं। उसने खुद लिख दिया है कि 1110 को हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000 है। 1110 10,000। अब पहले हम 2010 का अकाउंट बनाते हैं। 2010 के अंदर बैड डेट्स हमारे हुए 1860 के, किस नाम से आ जाते हैं? डेटर्स के नाम से। 1860, फिर आ जाओ 31st December 10 कैरी डाउन। ये जो हम कैरी डाउन 5% लेंगे इसमें से बैड डेट्स माइनस करके लेंगे या बैड डेट्स पहले माइनस किए हुए हैं, ये बात आपने बतानी है। हमने करने हैं क्योंकि उसने खुद कह दिया है बिफोर एडजस्टिंग। यहां पर आप देखो उसने लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टिंग एनी बैड डेट्स, किसी भी साल के बैड डेट्स माइनस नहीं हुए। तो करो जरा 196,860 माइनस 1860, जो आंसर आए उसमें 5% उसका 5% ले लो। जरा 5% 9750 आ रहा है, 9750 9750 डन होगी बात। 9750 इसको हम क्लोज कर देते हैं 10,000 और हमारे पास बैड डेट्स के नाम से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 275,250। बैलेंसिंग फिगर कितनी हमारी आ गई? 250। यहां पर बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं तो यहां पर क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 250। लो मेरे भाई साल को क्लोज कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से क्या अमाउंट आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट आ रही है? 1610। एक बंदे ने कहा है कि मुझे कैरी डाउन की वर्किंग दिखा दें। एक बात याद रखें, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन नहीं किए। जो कैरी डाउन की वर्किंग आप अब पूछ रहे हो ये तो अब चौथे सवाल पर हम पहुंच गए हैं, पिछले 3 सवाल फिर आपने नहीं किए और आपको 2 क्वेश्चन और भी करने के लिए दिए थे। चलो खैर अब शुरू कर दो फिर भी हो जाएगा काम। तो ये हमारा 2010 का डाटा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम 2011 पे। 1-1-2011 का ब्रॉडाउन आएगा 9750 और इसके बैड डेट्स बताए हुए हैं जिसकी जर्नल एंट्री हम पास कर लेते होते हैं, बैड डेट्स टू डेटर 1020। डन। अब आ जाओ कैरी डाउन की वर्किंग पे। 31st December अब हम क्या करेंगे, ये हमारे डेटर्स हैं 2011 के, इसमें से 1020 माइनस कर दो और उसका 6% ले लो, जो आंसर आएगा उसका 6% लो। कितना आ रहा है 6%? 151020 को माइनस करके 6% लो। एक बंदे ने कहा है कि जो ब्रॉडाउन गिवन है उसका कुछ नहीं करेंगे। अहमद रजा ये जो बैलेंस लिया हुआ है ये उसका ब्रॉडाउन ही तो लिया हुआ है,
इसको ही तो एडजस्ट किया है हमने 10,000 को, 9,000 क्लोज कर लें जनाब, 9750, 9750। तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आती है? बैड डेट्स के नाम से, 750। और ये अमाउंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 9750 हम क्लोज कर देते हैं 9750। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कितनी अमाउंट जा रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कितनी अमाउंट जा रही है? जी जनाब, एट सेवन थ्री जीरो। एक शख्स का मुझे मैसेज मिला है, कि 9750 कहां से आ गया? ये 9750 आया कौन से, ये वाला? सॉरी, यहां पर 750 जाना है, सॉरी, ये 750 आएगा यहां पे, 9750 नहीं, 750 है, सॉरी, 750 है, 9750। तो उसको अब्रॉड है, तो 1020, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट बताएं जरा कितनी जा रही है? 270। डनों की बात चलेंगे, आखिरी साल पे चलते हैं। आखिरी साल पे आ जाएं, 1112 का हमारा जो ब्रॉड ऑन है वो आ गया 9000, और जो कैरी डॉन है वो 216020 को 6020 माइनस करो और उसका 7.5% लो, कितनी अमाउंट आ रही है? यहां पर तो डेटर्स के नाम से लिख लो ना, 6020, और मुझे कोई 5% फाइंड करके बताए क्या करेंगे। 216020 में से पहले माइनस करो 6020, फिर उसका 7.5% लो। जी जनाब, 15,750 आ रहा है, 15,750 31st December, जी जनाब 15,750 क्लोज कर देते हैं, 15,750 बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट्स आ रही है वो बता दो जरा काइंडली, 6,750। और ये अमाउंट इधर आ जाएगी बैड डेट्स के, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, क्लोज कर दो इसको भी, 12770। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो अमाउंट जा रही है वो भी क्या होगी फिर, 12770। लो मेरे भाई, हमारे पास लेजर्स बन गए,
हम अब इसकी जर्नल एंट्री पास करने लगे हैं। हर साल की जर्नल ऑल एंट्रीज, जर्नल नहीं, उसकी क्लोजिंग एंट्री भी हर साल की साथ साथ पास कर देते हैं। क्या ख्याल है फिर? जी चलें, जरा आ जाओ जरा इसकी एंट्रीज पे। सबसे पहली एंट्री 2010 की, 2010 की एंट्रीज पास करने लगे हैं। बैड डेट्स टू डेटर्स 1860, बैड डेट्स टू डेटर्स 1860। फिर अगली एंट्री, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट 1610। और अगर सॉरी 250, और इसकी क्लोजिंग एंट्री भी अगर साथ पास करो तो वो एंट्री पास हो जाएगी बैड डेट्स क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स 1610 से। ये 2010 के साल की ऑल एंट्रीज हैं। ऊपर वाली दो एंट्रीज जनरल एंट्रीज हैं और नीचे वाली जो एंट्री है वो क्लोजिंग एंट्री है। 2011 पे आ जाओ, पहली एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स टू, रहील कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स बता दें कैसे आए। ओ भाई, ये एंट्री, ये लेजर को देखकर एंट्री पास कर रहा हूं मैं रहील, लेजर से ही एंट्रीज उठा उठा कर पास कर रहा हूं। बैड डेट्स का लेजर देखें, वो तीन एंट्रीज पास की हैं 1020। आप लोग ना चीजें ध्यान से नहीं सीखते, जो चीज दोबारा पढ़ रहे हूं उसमें मसला नहीं आना चाहिए। फिर अगली एंट्री, हमारे बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो रही है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट टू बैड डेट्स क्रेडिट 750 से। और लास्ट क्लोजिंग एंट्री क्या बन रही है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स क्रेडिट। लास्ट एंट्री है हमारी 2012 की, पहली एंट्री आएगी बैड डेट्स टू डेटर्स। पता है ना, ये एंट्रीज लेजर से ही मैं उठा उठा कर पास करी जा रहा हूं, खुद से कोई भी एंट्री पास नहीं कर रहा। फिर अगली एंट्री पास होगी बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6750 से। और लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स, ये क्लोजिंग एंट्री है। लो जी,
आशिर कह रहा है कि सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होगा? नहीं मेरे भाई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आ रहा होगा तो फिर क्रेडिट हो रहा होगा, ये दोनों साइड पे आ सकता है। ये तो थी जर्नल एंट्रीज और उसके लेजर्स, जर्नल एंट्रीज और उसके लेजर्स, ये हैं आपका ये टोटल जर्नल एंट्रीज और लेजर्स। अभी मैं इसके एक्सट्रैक्ट समझाने लगा हूं। ये लेजर्स बन गए 3 सालों के, और मैंने 3 सालों की आपको ऑल एंट्रीज, ऑल रेलिवेंट एंट्रीज भी पास करके दे दी। अभी हम जाने लगे हैं इसके एक्सट्रैक्ट के ऊपर। एक बात याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में इनकम या एक्सपेंस जा रहे होते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर आप सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उठा लिया करें। किसको उठाना है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और एक्सट्रैक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनेगा वो मैं आपको अब सिखाने लगा हूं। वो जरा आप ध्यान से सीख लेना कि चीजें कौन कौन सी हमारी जा रही हैं। चलें जी, आ जाएं जरा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। जो भी नाम होगा, नाम लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट दिसंबर, और आगे हमारे 3 साल हैं, एक 2010 का साल, 2011 का साल और 2012 का साल। अमाउंट सारी की सारी थाउजेंड्स में है, तो हम भी जहां रुपीज लिखेंगे वहां ब्रैकेट में 1000 लिख देंगे। सिर्फ अदर एक्स पूरे क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो मतलब सारे के सारे ही एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे ही एक्सपेंसेस हैं। और किस नाम से लिखेंगे? बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। तो मेरे भाई चेक कर लें, 2010 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था 1610, फिर 2011 में आ गया 270, और 2012 में आ गया 12,740। ये हर साल का एक्सपेंस लिखा हुआ है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो रहा है। तो लिखना शुरू कर दें, 1610 2011 में 270 और 2012 में 12770। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बन गया। ये किसका एक्सट्रैक्ट बनाया हमने? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का। अगर वो कहता स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाया तो सिर्फ यही बनाना था, लेकिन उसने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने दोनों एक्सट्रैक्ट बनाने, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी। अब आओ जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट। उसी तरह पहले हम नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट
मतलब कौन सी चीज इसमें जाएगी एज एट 31 दिसंबर 2010 2011 2012। कौन सा हेड बन रहा है जनाब करंट एसेट्स का? आपने लिखने क्या 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 है, डेटर्स और उसमें से लेस बैड डेट्स अगर पहले ना माइनस हुए हूं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ जी, 2010 के हमारे डेटर्स कितने हैं? ये सारे लिखे हुए डेटर्स 196860 196860 2011 के भी बता दें 151020 151020 और 216 इसमें से बैड डेट्स माइनस कर दें हर साल के 1860 इसके बैड डेट्स थे 1020 इसके बैड डेट्स थे और 6020 और फिर प्रोविजन भी सब की माइनस कर दे और प्रोविजन कौन सी माइनस करनी है जो कैरीड ऑन है हर साल के कैरीड ऑन हर साल के कैरीड ऑन 2010 का कैरीड ऑन है 9750 2010 का है 9750 2011 का मेरे ख्याल में था 9000 और 2012 का मेरे ख्याल में था 15700। लो मेरे भाई डेटर्स की अमाउंट बता दे मुझे 2010 की कितनी आएगी? एक बंदे ने कहा कि अगर इनकम होती तो क्या करते, वो अदर इनकम का हेड बनाकर लिख लेते। अगर इनकम होती तो अदर इनकम का एक हेड बनाते उसमें लिख लेते, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है 2010 में डेटर्स की अमाउंट मैं कितनी लिखूं। 196860 माइनस करें 1860 माइनस करें 9750 तो 185250। फिर आ जाए जनाब 2011 में 151020 माइनस कर दें 1020 और माइनस कर दें 9000। डन होगी बात। फिर आ जाए 216020 माइनस 6020 माइनस 15750 194250। जी मेरे भाई ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट बन गए और ये है एक्सट्रैक्ट स्टेट में यानी बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रिलेटेड। देन होगी बात। तो ये एक दफा दोनों के एक्सट्रैक्ट देख लें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए इन दोनों का। ये हमारे दोनों के एक्सट्रैक्ट है मेरे भाई। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट जाती है, अगर इनकम हो तो ऊपर हेडिंग में इनकम की हेडिंग आ जाएगी, एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस की हेडिंग, और अगर एक साल इनकम और एक साल एक्सपेंस हो तो दोनों हेड बना लेंगे।
जिस साल इनकम है इनकम के हेड में, जिस साल एक्सपेंस है एक्सपेंस के हेड में। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का यही फॉर्मेट है। सिर्फ और सिर्फ कभी कभी ये मसला आ सकता है कि आपको बैड डेट्स वो पहले से माइनस करके दे दे, तो वो हमने दोबारा माइनस नहीं करने। अगर वो पहले से माइनस करके दे दे तो हमने दोबारा फिर माइनस नहीं करने। क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये बैड डेट्स का हमारा एक तरह का फुल फ्लेज क्वेश्चन हो गया। अवैध सुहेल कहता है कि सर बैड डेट्स करंट एसेट में से क्यों माइनस कर रहे हैं? डेटर में से माइनस कर रहे हैं सुहेल भाई, डेटर्स में से, ठीक है, डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो बैड डेट्स हो गए हैं ना, अब वो हमारे मजीद डेटर्स नहीं रहे। रहील भाई कह रहे हैं कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रेडिट होता तो इनकम होती। बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर प्रॉफिट यानी बैड डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट से क्रेडिट हो रहा होता तो वो हमारी इनकम होती है। अब आओ जरा, बहुत हो गई, बहुत काम करवा लिया आपने मुझसे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। उसने इसमें एंट्रीज नहीं पूछी थी, हमने एंट्रीज भी पास कर ली। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में राइट अप रिसीवेबल का अकाउंट, बैड डेट्स का अकाउंट और बैड डेट्स का अकाउंट, और बनाना भी सिर्फ एक साल का है, सिर्फ एक साल का, ठीक है। तो ये बनाओ, 3 लेजर्स मुझे बनाकर दो। दो सालों का डाटा उसने हमें दिया, सॉरी, रिसीवेबल का लेजर भी आपने बनाना है, बैड डेट्स का लेजर भी बनाना है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी लेजर बनाना है। और टाइम है आप लोगों के पास जनाब 7 मिनट, चलो 10 मिनट ले लो, 10 मिनट नहीं है टाइम यार, 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 7 मिनट है, 7 मिनट में ये क्वेश्चन आपने करना है। एक शख्स का मैसेज आया कि सर रिसीवेबल, रिसीवेबल डेटर के अकाउंट को कहते हैं, रिसीवेबल्स डेटर्स के अकाउंट को कहा जाता है।
2012 और 2013 दो सालों का लेजर बनाना है। वैसे 1 मिनट रह गया है ऑफिशियली, ऑफिशियली 1 मिनट रह गया है। कुछ लोगों ने तो स्टार्ट ही नहीं किया होगा। हो गया कुछ लोगों का, माशाल्लाह गुड एक्सीलेंट जॉब। हाँ जी करें सॉल्व इसको। चले देखते हैं फिर। जल्दी से इसका आंसर देख लो, वेरीफाई कर लो और अपनी अपनी गलतियां नोट करो, क्योंकि अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। सिर्फ इसके क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करने हैं और कल तक तो वैसे खत्म हो जाएंगे, तो इसका टेस्ट फिर थोड़ा सा लेट कर लेते हैं ताकि वो आईएएस शिक्षा जो डेप्रिसिएशन सुबह हम पढ़ रहे हैं वो और ये दोनों टॉपिक को साथ में मिक्स कर लें। यानी क्वेश्चन तो मैंने दोनों टॉपिक्स के ही देने हैं आपको, आइए 16 का भी और ये बैडेट्स का भी। चलें देखते हैं जरा। इसके तीन लेजर्स बनने थे। सबसे पहले तो हम डेटर्स का लेजर बना लेते हैं। उसने खुद ही बता दिया है हमारे पास 30 जून 2011 हमारे रिसीवेबल थे 50 मिलियन के। 30 जून 2011 का मतलब है 1/7/2011, 1/7/2011
2011 हमारा ब्रो डाउन है 50 मिलियन का, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रुपीज इन थाउजेंड, सारे पैसे हमारे थाउजेंड्स में हैं। फिर वो कहता है क्रेडिट सेल्स 480 मिलियन की है, 2012 के साल के एंड तक क्रेडिट सेल्स हमारी 480 मिलियन की है। और आपको पता है कि क्रेडिट सेल से हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, और 2012 के बैड डेट्स आपके 6000 के हैं, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 432 मिलियन का है। तो कैश 432 मिलियन का है और बैड डेट्स हमारे पास 6 मिलियन के। ये डाटा हमारा हो गया पूरा। तो अगर हम अपने डेटर्स को क्लोज करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 530,000 और 30th June 2012 का हमारे पास जो कैरी डाउन आ जाएगा वो बता दें जरा कितना निकाला है आपने। कैरी डाउन जरा काइंडली बता दीजिए कितना फाइंड किया है, 92,000। ये हमारा डेटर्स का लेजर बन गया 2012 का, 1-7-2012। अगले साल का ब्रोडोन आ गया 92,000। अगले साल की जो सेल्स हैं वो 550,000 जो कैश रिसीव किया है डेटर से वो 560,600 और जो बैड डेट्स हैं वो है 2000। तो 30th June टोटल करके बता दें जरा, ये हमारे पास आ जाएगा 642,000। 2013 का काइंडली कैरी डाउन बता दें, 79,400। ये था हमारा रिसीवेबल का लेजर, और रिसीवेबल का लेजर भी हमने बनाना सीखा हुआ है। अब बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर, जी मेरे भाई, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लेजर में जाहिर सी बात है 1-7-2011 हमारा ब्रोडोन भला कैसे आएगा, जरा गौर फरमाएं। हम हर साल 5% प्रोविजन लेते हैं, तो पिछले साल हमने 50,000 की 5% प्रोविजन ली होगी। पिछले साल 50,000 की हमने 5% प्रोविजन ली, क्योंकि ये ओपनिंग है ना, तो पिछले साल का ये क्लोजिंग हुआ, तो 50,000 का 5% लेंगे। ठीक है, 50,000 का 5% लेंगे तो कितना आ रहा है, 2500। अमाउंट 1000 में ही आएगी, 2500 ये हमारा आ गया ओपनिंग बैलेंस। कैरी डाउन 30th June 2012 को कैरी डाउन आएगा इस क्लोजिंग बैलेंस का 5%, 92,000 का 5% आएगा 4600। क्लियर होगी बात,
यानी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर अगर परसेंटेज लोगे तो ओपनिंग प्रोविजन आ जाती है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर परसेंटेज लेंगे तो क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, बाकी वही सारे का सारा प्रोसीजर होता है 4600, और हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस नाम से आएगी, बैड डेट्स के नाम से। वो कितनी अमाउंट आ गई, 2100। डन। फिर अगले साल पे चलते हैं, 1712 का जो हमारा ब्रॉडोन आएगा वो आएगा 4600। क्या आएगा वो, ये तो तकवा ने कहा है, रिपीट कर दे, ये तो बेटा वही चीजें हम पढ़ रहे हैं जो बार बार पढ़ी जा रहे हैं। ये हमने ब्रॉडोन की प्रोविजन ले ली और ये हमने कैरीडॉन की प्रोविजन ले ली, क्योंकि कैरीडॉन हम डेटर में खुद फाइंड कर चुके हैं। जब डेटर से कैरीडॉन फाइंड कर लें तो फिर कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें वो सब कुछ प्लस माइनस होकर आ रहा होता है। डन होगी बात। ब्रॉडोन कैसे फाइंड करना है, ब्रॉडोन के लिए ये हमें डेटा बताया हुआ है, ये पिछले साल के क्लोजिंग डेटर थे, पिछले साल के, तो हमने उसके ऊपर 5% प्रोविजन लाई, तो ये पिछले साल की क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग आ गई। जो पिछले साल का क्लोजिंग डेटा होता है वो इस साल का ओपनिंग होता है। फिर इस साल का कैरीडॉन लिख लो, 30th June 30, 5% हम किस पे अप्लाई करेंगे, 749,400 का 5% लेंगे, 3970। तो हमारी जो 4600 बैड डेट्स के नाम से जो अमाउंट आ रही है बैलेंसिंग फिगर, वो कितनी अमाउंट आ रही है, 630। लो जी, ये हमारा प्रोविजन का लेजर भी कंप्लीट हो गया। अब हम बना लेते हैं बैड डेट्स का लेजर। जी जनाब, बैड डेट्स का तो लेजर बहुत ही आसान सा है। एक तो बैड डेट्स हुए डेटर्स के नाम से कितने, 6000 के। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से अमाउंट आई 2100, ये वाली तो क्लोज कर दिया 8100 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी कितनी अमाउंट चली गई, 8100। जल्दी करें, लॉ की क्लास का टाइम हो गया है। अगले साल के मुझे बैड डेट्स बता दें, 2000। अगले साल का प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इस साइड पर आ रही है 630, क्लोज कर दो। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कितनी अमाउंट आ रही है, 1370। चैलेंज खत्म हो गया हमारा सवाल। ये आपने जनाब करना है कल के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आपने कल करके आने हैं, और जिसने नहीं किए वो काइंडली रिक्वेस्ट है वो क्लास नहीं लेगा, ठीक है, जो क्लास का क्वेश्चन नहीं करेगा वो क्लास भी कल नहीं लेगा, ठीक है जनाब। तो कल इंशाल्लाह फिर इसके पास पेपर शुरू कर देंगे, कल इसके पास पेपर इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।